स्टॉक मार्केट्स में सबसे इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है फेक ब्रेकआउट से या ओरो के लॉस से प्रॉफिट करना। इस स्ट्रैटेजी का मेन लॉजिक है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसका मतलब है रह जाने का डर। पिछली बार मैंने बाय नहीं किया था, स्टॉक इतना ऊपर गया था, कहीं इस बार भी मैं ना रह जाऊं। पिछली बार मैंने सेल नहीं किया था और स्टॉक इतना नीचे गिर गया था, कहीं इस बार भी मैं ना रह जाऊं। अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रही है सब बाय करना चाहते हैं, अगर मार्केट बहुत तेजी से नीचे जा रही है सब सेल करना चाहते हैं, और जैसे ही उनको छोटा सा भी मौका दिखाई देता है वो ट्रेड ले लेते हैं, और उनके ट्रेड लेने के बाद जब मार्केट उनके अगेंस्ट जाने लगती है तब हमारी स्ट्रैटेजी काम आती है। इस स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट्स बहुत सिंपल हैं। ट्रेडर को ट्रेंड इंपल्स और प्राइस एक्शन की समझ होनी चाहिए और रिस्क कंट्रोल और एग्जिट स्ट्रैटेजी का पता होना चाहिए। ट्रेंड इंपल्स का मतलब है प्राइस का एक ही डायरेक्शन में बहुत ज्यादा तेजी जाना, इतना तेज कि सब ट्रेडर्स को लालच आ जाए बाय या सेल करने का। ट्रेंड इंपल्स को दूर से ही देख के पता चल जाना चाहिए कि वो ट्रेंड इंपल्स है। अगर आपको दो बार सोचना पड़ रहा है कि वो है या नहीं है तो वो नहीं है। इस चार्ट में वाइट जोन ये ट्रेंड इंपल्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ध्यान से देखिए, दूर से ही पता चल रहा है कि प्राइस कितना आसानी से और कितना तेजी से ऊपर जा रहा है, और इस चार्ट में ये रेड जोन ये अच्छी ट्रेंड इंपल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइस कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, इतना क्लियर नहीं है कुछ। इस स्ट्रैटेजी का अगला मेन पार्ट है इनसाइड बार। इनसाइड बार दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें दूसरी कैंडल पिछली कैंडल की हाई और लो के बीच में ही रहती है। जैसे इस केस में देखिए कैसे ग्रीन वाली कैंडल रेड वाली कैंडल की हाई और लो के बीच में ही है, और अगले केस में भी रेड वाली कैंडल पिछली ग्रीन कैंडल की हाई और लो के बीच में ही है, और लास्ट एग्जांपल में भी देखिए कैसे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की हाई लो के बीच में ही है। इनसाइड बार्स का चार्ट में बनना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको अपने चार्ट में बहुत सारी इनसाइड बार्स मिल जाएगी। अब बात करते हैं ट्रेडिंग रूल्स की, जो की बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, इनसाइड बार्स ढूंढिए। इनसाइड बार मिलने के बाद देखिए क्या इनसाइड बार से पहले एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इंपल्स है, अगर हाँ तो तीसरे स्टेप पर बढ़िए, अगर नहीं तो इस इनसाइड बार को इग्नोर करिए क्योंकि ये काम नहीं करेगी। जैसे इस केस में हमने पहले इनसाइड बार ढूंढी, इस इनसाइड बार से पहले एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इंपल्स देखा और तभी हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़े। इनसाइड बार और इंपल्स का कॉम्बिनेशन मिलने के बाद अगली ही कैंडल का हायर हाई और हायर लो होना चाहिए। ये वो कैंडल होगी जहां बहुत सारे ट्रेडर्स बाय करेंगे, और ये थर्ड स्टेप पूरा होने के बाद हम फॉल्स ब्रेकआउट का वेट करेंगे जो कि इनसाइड बार के लो के नीचे होगा। जैसे ही इनसाइड बार का लो ब्रेक होता है सेल कर दीजिए, स्टॉप लॉस फॉल्स ब्रेकआउट के हाई का हो सकता है, और सेल करने के बाद ट्रेड को चलने दीजिए। बाय के रूल्स भी बहुत मिलते जुलते हैं। सबसे पहले इनसाइड बार ढूंढिए, फिर देखिए कि उससे एकदम पहले स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड इंपल्स होनी चाहिए, और अगर ये कॉम्बिनेशन मिलता है तो अगले ही कैंडल के लोअर हाई और लोअर लो की वेट करें, और वो होने के बाद फॉल्स ब्रेकआउट की वेट करें जो कि इनसाइड बार के हाई के ऊपर होगा। इनसाइड बार का हाई टूटते ही बाय कर लें, स्टॉप लॉस फॉल्स ब्रेकआउट के लो का हो सकता है, और ट्रेड में एंटर करने के बाद ट्रेड को चलने दें। टारगेट्स के लिए ट्रेडर्स सुपर ट्रेंड से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड की सेटिंग हो सकती है 3-1, 3-2 या 3-3। टारगेट्स के लिए RSI का भी यूज किया जा सकता है। हाइकनेश एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है प्रॉफिट को लंबा चलाने के लिए। इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए ध्यान रखें कि इंपल्स का बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये स्ट्रैटेजी 1 घंटे से नीचे टाइम फ्रेम में शायद काम ना करे, तो ट्राई करें कि स्ट्रैटेजी को सिर्फ डेली या वीकली टाइम फ्रेम में यूज करें। और आपको अपने चार्ट में इनसाइड बार तो बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन एक कॉम्बिनेशन एक स्ट्रॉन्ग इंपल्स का और साथ में इनसाइड बार का वो बहुत रेयर है। तो एक ट्रेड को जबरदस्ती ना लें, सिर्फ तभी लें अगर कॉम्बिनेशन बहुत क्लियर है।